इस तरह का शब्बीर का राहवार सफर था। ये बर्फ था, तारा था, सितारा था, शरद था। जिसको न हवाओं का न सहराओं का डर था, चल जाए तो शमशीर था, ठहरे तो सिपर था। दरियाओं में कश्ती था, हवाओं में परी था, मौला के रफीकों में 73वां यही था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक घोड़े का नाम नहीं बल्कि वफादारी और जानिसाली की एक ऐसी दास्तान है जिस पर इंसानी अकल आज तक हैरान है। करबला की मातह हक व बातिल में अपने शहसवार का ऐसा खिदमतगार बना कि रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। रोज़े आशूर आखिर वक्त तक साया बन तक इमाम आली मुकाम के साथ रहा। एक पल के लिए भी खुद को मौलाए हुसैन से जुदा ना किया बल्कि अपनी वफादारी से मैदान करबला में वफादारी और ईसा की अनमिश तारीफ रकम कर दी। जब इमाम आली मुकाम शहादत की मर्तबे पर फाइज हो गए तो पहले फेमों में आकर इस बेजुबान सिपाही ने अपने मौला को आंसुओं का खिराज पेश किया और फिर कई रिवायतों के मुताबिक खुद भी अपनी जान दे दी। दुनिया भर में अय्याम अज़ा के दौरान जहां जहां इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों को खराजी अकीदत पेश किया जाता है वहीं जुलजना का भी जिक्र सामने आता है। इसकी वफादारी और मोहब्बत को सलाम पेश किया जाता है। जुलूसों और मजालिस में शबीए जुलजना बरामद की जाती है। सरजमीन मंडौर जो कि इलाहाबाद में वाक़ है, यहाँ 16 सफर को शहदाए करबला की याद में एक जुलूस बरामद होता है जिसमें शबीए जुलजना होता है। जुलजना को बेहतरीन तरीके से सजाया जाता है, फूलों का सेहरा डाला जाता है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब का जिक्र किया जाता है। इसके बाद जुलजनाह को अजीम एहतराम के साथ जुलूस में शामिल किया जाता है। ये जुलूस गांव की तंग गलियों से गुजरता हुआ करबला की तरफ रवाना होता है। करबला में मातम जंजीर की फिजा गम और अंदोह से भर जाती है। और इसके बाद शबीए जुलजनाह का सेहरा एहतराम के साथ दफन कर दिया जाता है। इस मंजर में अश्क बरस रहे होते हैं और लोगों का जज्बाए अकीदत अपनी इंतहा को छू रहा होता है।